और अब बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेसी नेताओं को हिदायत दी कि वो कोर्ट में किसी भी तरह की तमाशेबाजी ना करें। पेशी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। Whatever they want. Myself, I am not going to budge one inch. I will not let go. I'll send them to jail. Till that time, I will not rest. 19 दिसंबर गांधी परिवार के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली यह तारीख आज फिर सामने आ खड़ी हुई। 37 साल पहले 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। वो 7 दिनों तक जेल में रही और उस वक्त उनकी बहू सोनिया घर का खाना लेकर तिहाड़ आती रही। आज भी 19 दिसंबर है और आज गांधी परिवार के माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड में पेशी से ठीक पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष ने अचानक रणनीति बदली और तमाम कांग्रेस नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं को फरमान सुना दिया कि वो इस मामले में कोई हंगामा नहीं चाहती। सोनिया ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है, कोर्ट के बाहर कोई जलसा, जुलूस या तमाशा ना हो, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए, अदालत जैसा निर्देश देगा वैसा पालन किया जाए, कोर्ट जमानत लेने को कहे तो जमानत ले ली जाए, बीजेपी की बदले की राजनीति का जवाब जनता के बीच जाकर दिया जाए। तय ये हुआ है कि सभी पार्टी नेता दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में जुटेंगे। दोपहर 2:30 बजे पार्टी नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे। सोनिया और राहुल 2:55 पर कोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी महज 5 किलोमीटर है और रास्ते में सिर्फ एक लाल बत्ती आती है। हाई प्रोफाइल सियासी हस्तियों की पेशी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में 16 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 36 कैमरे पहले से ही यहां लगे हुए थे। सारे एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। खराब मेटल डिटेक्टर बदल दिए गए। SPG ने यहाँ 24 घंटे पहले से ही मोर्चा संभाल लिया। कोर्ट रूम से लेकर लॉकअप रूम तक को SPG ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। अगर सोनिया और राहुल ने जमानत नहीं ली तो उस हाल से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जिस जज के सामने हेराल्ड केस की सुनवाई होनी है, अब आपको उस जज के बारे में भी बता दें। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। लवलीन ने जुलाई 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ज्वाइन किया था। इससे पहले वो 30,000 कोर्ट में सिविल जज थे। पटियाला हाउस कोर्ट में वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नंबर 2 हैं। और जिस जज ने पहली बार सोनिया गांधी और राहुल को समन भेजा था, उनके बारे में भी सुन लीजिए। हम आपको बता दें कि MM गोमती मनोचा वो जज हैं जिन्होंने पहली बार सोनिया गांधी और राहुल समेत 6 लोगों को हेराल्ड केस में समन भेजा था। अब वो सिविल जज हैं। मनोचा वही जज हैं जिन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा था और नितिन गडकरी के खिलाफ अवमानना का केस फाइल किया था। अब बस इंतजार है चंद घंटों का। हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल की पेशी होगी, फिर तय होगा कि इस मामले में कोर्ट का रुख क्या होता है। दिल्ली से कुमार विक्रांत और रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो।